सिक्स, क्योंकि मेरे को पता है लाइन लग जाती है इजी एक्सरसाइज में भी फालतू की, और फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं मेरे जैसे। और कुछ? अरे यार मैं नहीं कर रहा, बने टू ए कर, टू ए निकालो, टू ए के डाउट से करेंगे सबसे पहले, फिर लास्ट में बने के वन बी के देख लेंगे। पहले टू ए के डाउट्स लिखो जल्दी से वापस प्लीज एवरीवन, टू ए के डाउट्स लिखो। फाइव नाइन टेन टू एट, 28 प्लस 25, 30, 25। रुद्रा टू ए का है तो वापस लिख एक बार। सेवनटीन ट्वेल्थ सब पूछ ला लो, सॉल्यूशन भेज रखे हैं, उसके बाद ये हालत होती है तुम्हारी, क्या करें। एक्सरसाइज थ्री भूल जाना, उसके सिर्फ सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। 23, 25, 14 एंड 17। ट्वेंटी टू, 20। और कुछ है? फिर बाद में लूंगा मैं। ऐसे बचा कितना है? 30 में से 15 तो पूछ लिए होंगे, 15 के 20 पूछ लिए होंगे तुमने। ओके लॉक। सेकंड क्वेश्चन टू ए, फाइव सेकंड क्वेश्चन देखो। एक आध बैच में मैंने किसी में कराया होगा, जो भी अच्छा करता है उसमें मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। ओके प्लीज सी आर विथ मी। समेशन ए आर इनटू एक्स माइनस टू आर इज एक्स माइनस थ्री आर, ए के इज वन, देन बी एन के बारे में कमेंट पूछा है। थोड़ा सा कभी कभी समेशन में विजुलाइज नहीं होता, थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखना चाहिए। तो जैसे क्या है, ए जीरो ठीक है प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए टू एन इंटू एक्स माइनस टू रेज टू पावर टू एन इक्वल्स टू बी जीरो प्लस क्या है बी वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी टू इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें हमें क्या पूछा है? बी एन। तो डायरेक्टली आप कभी एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बी एन में एक्स माइनस थ्री की पावर एन है। अब उसमें कितने सारे टर्म्स होंगे यू नेवर नो। आई एम नॉट, क्योंकि कंपेयर करते हैं हम तो बी एन यहाँ पे कितना होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली कंपेयर इट, क्योंकि उसमें सक्सेसफुलनेस नहीं मिलेगी। बट अगर मैं एक्स माइनस थ्री को वाई रख दूँ, जस्ट एक स्टेप के बाद तुम्हें फील आने लगेगी, तो राइट साइड हो जाएगा बी नॉट प्लस बी वन इंटू वाई प्लस बी टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी एन इंटू वाई की पावर एन एंड रिमेनिंग आई डोंट केयर। सो देन आई कैन इजिली से कि बी एन इज सर क्या कोफिशिएंट ऑफ, कम ऑन, y की पावर n, y की पावर n। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो कैन आई से bn इज कोफिशिएंट ऑफ y की पावर r, y की पावर n इन राइट, दैट मींस इट मस्ट बी कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n इन लेफ्ट साइड, कम ऑन। यस सर। यस सर। तो लेफ्ट साइड में a0 प्लस a1 into x minus 2 के टर्म्स आ रहे हैं, सो x minus 2 कितना हो जाएगा y के टर्म्स में? y plus 1। minus 2 will be y plus 1। तो मतलब यहाँ y plus 1 है प्लस ए टू इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है प्लस ए एन इंटू वाई प्लस वन की पार एन है। कम ऑन जल्दी से एग्री करो, वाई की पार एन का टर्म तो सबसे पहले यहाँ पे बनना चालू करेगा। कम ऑन। यस सर। सो कैन आई से यहाँ पे क्या होगा? ए एन होगा। यस यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए एन प्लस वन इंटू वाई प्लस वन की पार एन प्लस वन। सो आई कैन से ए एन इंटू एन सी एन है। कम ऑन एग्री करो पहले वाले में। यस सर।
नेक्स्ट वाले में क्या है फिर बोलो, ए एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन सी एन, कम ऑन, यस प्लस ए एन प्लस टू इंटू एन प्लस टू सी एन, और लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म क्या है, ए टू एन वाला, सो लास्ट विल बी ए टू एन इंटू टू एन सी एन। क्या सब बच्चों को फील आ गया यहाँ था? यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कुछ समझ में आएगा सर। ये वाली ए के इज वन, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब ये सारे कोएफिशिएंट जो मैंने लिखे हैं इन सब की वैल्यू कितनी है, वन। सो बच कितना गया, एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन, कौन सी सीरीज, कम ऑन, आर सी आर प्लस आर प्लस वन, कौन सी सीरीज है ये, क्या नाम था, वैंडरवान टू, वैंडरवान सीरीज वन, सीरीज टू तो मल्टीप्लिकेशन होता है, करेक्ट और नॉट, यस सर, यस सर। क्या करते हैं उसमें आंसर के लास्ट टर्म में क्या क्या कर देते हैं, प्लस वन, फ्लिपिंग से दिस और दिस जो भी आंसर दे रखा है, क्लियर, यस सर, यस सर, 2n plus 1 cn, 2n plus 1 cn plus 1. सबको क्लियर सेकंड क्वेश्चन? यस सर, यस सर। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करना है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के भेजे थे ना सबके ग्रुप्स में, कुछ क्वेश्चन नहीं करना, इसमें ये मार्क नहीं किया था क्या मैंने, डिड आई टेल यू टू लीव दिस क्वेश्चन और नॉट एवरीवन, नो सर, नो सर, ओके लीव दिस क्वेश्चन, ये तो मैं क्लास में भी समझा चुका हूँ कि तीन का डिफरेंस आता है तो किसका यूज आता है, याद है मैंने बताया था तुम्हें, सबकी क्लास में बताया था कि तीन का डिफरेंस आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होता है जो नहीं कर पाओगे, मे भी बताया हो मे भी नहीं बताया हो, इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हो जाता है ये जो आपको अभी नहीं आता है, चार का डिफरेंस होता है तो आयोटा का यूज आता है, याद करो, यस सर, यस सर, तीन का होता है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल नहीं आता, तो लीव दिस क्वेश्चन, ओके, ओके सर। उसके बाद एट नाइन टेन, एट En is the product of all the coefficients. ये सबकी क्लास में मैंने कराया होगा, तो तुम लोगों को याद तो रहता नहीं है। En is the product of all the coefficients in the expansion of 1 plus x की power n. Okay. So En is what? Nc0 into Nc1 into Nc2 up to Ncn. All of you okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So P of n plus 1 upon Pn मतलब n plus 1 c0 into n plus 1 c1. जो याद आया इसका डिवीजन वाला क्वेश्चन मैंने कराया होगा यार पक्का, यस सर कराया, यस सर कराया, डिवाइडेड बाय nc0 nc1 nc2 ncn इनटू नथिंग, इसकी वैल्यू वैसे ही वन है। अब मैंने तो दो मेथड से कराया, पास्कल्स लॉस रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी से भी हो जाता है और ऐसे सिंपलीफाई करके भी हो जाता है, यस सर। इसके बाद शुड आई लीव और शुड आई डू, यू टेल मी, ट्राई करेंगे एक बार और। समेशन एन सी आर इंटू साइन टू आर एक्स के, देखें समेशन एन सी आर इंटू साइन टू आर एक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से तो हो ही जाएगा एक्चुअली ये, बट अगर हम रिवर्सल से ट्राई करें, थोड़ा फील तो आ ही रही है, कम ऑन एग्री करो, यस सर, यस सर। तो आर को हर जगह एन माइनस आर से करें तो समेशन ऑफ, फ्लिपिंग लगा दिया पहले पे तो, और दूसरे पे हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन माइनस आर इंटू एक्स, करेक्ट बच्चों, यस यस सर, यस सर। मेरे ख्याल से इस पे भी करना पड़ेगा और फिर एक और सीरीज लेनी पड़ेगी, मतलब ये हो गया मान लो न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर पे भी ऐसे रिवर्सल लॉ लगाना पड़ेगा और फिर मतलब डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर जैसे यहाँ पे करूँ 2n समेशन ncr तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा एवरीवन. यस यस सर. साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 तो 2nx बाय 2 nx हो जाएगा इनटू cos c माइनस d बाय 2 c माइनस d मतलब 4rx माइनस 2nx बाय 2 तो 2r माइनस n इनटू x ऐसा हो जाएगा. सेम चीज डिनोमिनेटर में कर देना डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा. यस सर कर लेंगे. cos 2rx रिवर्सल यहां पे भी लगाओ summation ncr into cos of twice of n minus r into x add 2d is equals to summation ncr cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 the same term aayega jo divide mein tabhi macha dega. come on. yes sir. 2n by 2d mujhe dikh raha hai ki ye sab term to cancel ho gaye. sin nx by cos nx 10 nx answer is 10 nx okay. यस सर. यस सर. कॉम्प्लेक्स से भी हो जाएगा ये अभी तो रिवर्सल से ही करना है ऑब्वियसली. 10th क्वेश्चन. तो ये बाइनोमियल की अच्छी एक्सरसाइज है ना. तो क्लियर योर डाउट्स रियल टाइम फिर क्वेश्चन मैं भेजूंगा वो कर लेना बहुत है प्लीज. अब जैसे ये देखो सब टर्म्स चिपके हुए हैं मतलब प्रोडक्ट में चिपके हुए हैं और इनइक्वालिटी है. इसके बाद किसी भी अच्छे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन हो गया कौन सा फंडा एसएनएस में प्रोडक्ट इनइक्वालिटी. हाँ एएमजीएम एएम ग्रेटर देन जीएम. बताओ आप थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ चमकना चाहिए था. यस और नो. यस सर. यस सर. तो सी नॉट इज द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज सी नॉट प्लस सी वन थर्ड टर्म इज सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू एंड कौन सा टर्म होगा ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म. तो ये nth टर्म n टर्म से कम ऑन. यस डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि सब टर्म्स इक्वल नहीं होते. nth रूट ऑफ योर आंसर कैन आई से लाइक दैट. यस सो nth रूट ऑफ माय आंसर इज लेस देन c नॉट प्लस c नॉट प्लस c नॉट n टाइम्स होगा तो n इनटू n c नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एन सी वन. कम ऑन ओके करो. यस सर. यस सर. डिवाइडेड बाय एन nth रूट ऑफ माय आंसर इज लेस देन समेशन आर इंटू एन सी एन माइनस आर. कैसा लिखूं या ऐसा नहीं. और लास्ट टर्म क्या होगा वन इंटू एन सी एन माइनस वन प्लस जीरो इंटू एन सी एन यही होगा ना. कम ऑन. यस सर. तो मैं पीछे से देख रहा हूँ r into n c n minus r where r is varying from 0 to n divided by n. check karna sahi likha hai maine 0 yes, into sir. n c n 1 into n c n minus 1 n into n c 0 koi ko correct likha hai. ab main kya laga dunga flipping laga dunga kyun come on r ko cancel karne r ko cancel karne newtons lag jayega correct. yes sir. yes sir. n into n minus 1 to n into 2 ki power n minus 1 answer is less than 2 की पावर n into n minus 1 ऐसा कुछ. ठीक है. ओके. यस. यस सर. एट नाइन टेन हो गया अब इलेवेंथ है और क्या मजा आ गया. इलेवेंथ पूछा नहीं. ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेल्थ हर ईयर के शफलिंग करते हैं तो थोड़े बैचेस प्रॉपर बन जाते हैं. तुम्हारी सबकी शफलिंग नहीं हुई ना इसलिए थोड़ा सा ये सब चलता रहता है. ट्वेल्थ क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा. If n is an even number and coefficient of x की power r in the expansion of this is this mod x less than 1 मतलब negative index कर सकता हूँ. n is an even natural number coefficient of x की power r last year मुझे याद है कुछ answer में गड़बड़ थी इसमें बट अभी check करते हैं.
है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू की पावर एन रखना है तो फिर मुझे आर की रेंज को डिस्कस करना है। ओके, तो केस वन में मान लेता हूं कि आर इज ग्रेटर देन एन। सुन रहे हो बच्चों? यस यस सर। जस्ट कुछ भी एनालाइज करने के लिए मान लो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, एन सी जीरो, वो होगा एक्स की पावर जीरो का टर्म, तो इसमें से एक्स की पावर आर का टर्म पकड़ना पड़ेगा ना। यस सर। और हर कोफिशिएंट इसमें तो वन होता है, एग्री करो? यस यस सर। तो अभी तक आंसर एन सी जीरो हो गया विद दिस टर्म, फिर एक्स का टर्म यहाँ पे एन सी वन होगा, इसमें एक्स की पावर आर माइनस वन चाहिएगा, वो भी यहाँ पे वन होता है। कम ऑन। यस सर। यस सर। तो मुझे फील आ गया कि अच्छा ये सीरीज टू की पावर एन तो तभी बनाएगी जब एनसीएन तक कंप्लीट होगी। कमाल। यस सर। यस सर। एनसीएन तक तभी कंप्लीट होगी, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर एन चाहिएगा और यहाँ पे कोई टर्म चाहिएगा, मतलब आर मस्ट बी ग्रेटर देन एन तभी होगा। कमाल। आर लेस देन एन होगा तो बीच में ही रुक जाएगा वो। क्या एग्जांपल लेके समझाना है या समझ में आ गया है? समझ गया सर। समझ गया सर। पक्का? यस सर। हां, सो मतलब आर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन भी रख दो, व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल चलेगा। कम ऑन। तब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ले लेंगे लास्ट टर्म के लिए एनसीएन के साथ। आर यू विद मी बच्चों? यस सर। तो देयरफॉर अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन कर दिया कोई रोकने वाला नहीं हमें, एग्री करो? यस सर। यस सर। बस ये आंसर है। देखना, चेक करना पीछे कहीं गलत तो नहीं दे रखा, मेरे को लास्ट ईयर का याद है कुछ गलत दे रखा, देखो चेक करो। तो राइट है। राइट है, ठीक है, राइट कर दिया। कोई डाउट किसी को? नो सर। 13th क्वेश्चन, आई और एफ वाला सपोर्ट बैच में अभी नहीं हुआ है तो मैं इसमें अभी नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट बैच के भी बच्चे हमारे पास है अभी, 13th अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एडवांस बैच के बच्चे मुझे नेक्स्ट क्लास में अपने क्लास में पूछ सकते हैं। क्लियर? सुन लिया सबने? यस सर। यस सर। यस। 14th देख लेते हैं, पता नहीं क्यों पूछा है फालतू क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। Consider the binomial expansion of this, where the terms of the expansion are written in decreasing powers of x. मतलब first variable फिर यही है। Come on, agree करो। तभी decrease करेगा। If the coefficients of the first three terms, coefficients, ना only coefficient, not binomial coefficients, coefficients. तो क्या होगा? n c zero पहला coefficient होगा, दूसरा n c one into one by two होगा, n c two into one by two square होगा। ये R n A P 2b is equals to a plus c, n is equals to 1 plus n into n minus 1 by 4. मेरा काम नहीं है, सॉल्व करो, उसके बाद सारा खुद ही कर लोगे। 14 जिसको भी डाउट था क्लियर कर लेगा आप आगे? यस सर। अरे यार पथेटिक यार, जो बच्चा ये पूछ रहा है थोड़ा तो रैम करा करो भाई, कि इतना टाइम वेस्ट मत करो हमारा। प्रैक्टिस शीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चन है, नॉट गुड। ए जीरो ए वन ए टू आर एन ए पी, तो मतलब ट्वाइस ए वन इज ए जीरो प्लस ए टू। ए वन कौन है? कोफिशियंट ऑफ एक्स है, सो दैट मीन्स इट मस्ट बी कोफिशियंट ऑफ एक्स इन लेफ्ट साइड एवरीवन। यस। अब ये कहां से पकड़ेंगे? ऐसे स्प्लिट करके 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4 इनटू 1 प्लस x की पावर n है, तो 1 x बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा nc1 के साथ। x स्क्वायर कभी x बनाएगा? नहीं, तो बस ये काम खत्म हो गया। एग्री करो यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, a0 इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ 1 बना सकता है, वो भी किसके साथ? nc0 के साथ। a2 1 बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, nc2 के साथ। फिर एक्स स्क्वायर भी मैटर करेगा क्या? एक्स हाँ नो सर, बिल्कुल करेगा गधे। ए टू इज एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है, टू के साथ क्या ले लेंगे? एनसी जीरो ले लेंगे। यस सॉरी सर। हाँ बच्चे ओके? यस सर। जो भी नो यस बोला था आप ओके ना, सॉरी नो बोला था ओके? यस सर, गॉट इट। सो बस वापस क्वाड्रेटिक ही है यार,
2n is equals to 1 plus n into n minus 1 by 2 plus 2. कर लेगा आगे quadratic solve? Yes. जिसको डाउट था मैं उनसे स्पेशली पूछ रहा हूँ तो उसको जवाब देना चाहिए. ओके 15 तक हो गया और क्या बचा है 17, 19, 20.11 CR into first variable पे power क्या जाती है 11 minus R. second variable 3 into 1 by इसको simplify भी कर लूँ मैं तो मेरी तो इच्छा हो रही है correct or not 2 log to 2 x की power 3 by 2 कितना हो जाएगा x cube plus 3 log 2 क्या लिखूंगा 2 की power half लिखूंगा but 2 आगे आ जाएगा come on everyone yes sir फिर ये 2 इधर चला गया ये log 2 2 चला गया क्या आ जाएगा ये पूरा x क्यूब हो जाएगा क्या ये सबको ओके मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है a log a n कितना होता है n क्या ये सिंपलीफिकेशन सबको ओके है बच्चों यस सर जिसको डाउट था स्पेशली उससे पूछ रहा हूँ ओके अभी तक उसने यस नहीं बोला होगा ना मैं ढूंढ रहा हूँ उसका नाम तो फिर मैं उसका कोई डाउट नहीं बताऊंगा इसने पूछा था 17 सार्थक कुंडू ठीक है ध्यान रहेगा मेरा अब इसमें देख लो यार जनरल टर्म अब तो बहुत लल्लू काम हो गया 3 by x cube की power r. The general term is 11 cr into 3 की power r into x की power 33 minus 6 r. इसमें x square होगा क्या? 33 minus 6 r is 2. बिल्कुल नहीं होगा. There does not अब आगे कर लो फालतू क्वेश्चन. 19. ये remainder का क्वेश्चन है. डिस्कस करें अभी या नहीं क्योंकि सपोर्ट बैच में तो अभी मैं यही पढ़ा रहा था शुड आई नॉट यस सर यस सर यस सर चलो देख लो प्रैक्टिस हो जाएगी 7 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय व्हाट बहुत सिमेट्रिकल टर्म्स है तुम रिमाइंडर का तो ऑलमोस्ट नहीं है यूं डायरेक्टली भी कर सकते हो देखो सोचो सिमेट्री लग रही है 8 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 1 कम ऑन यस सर उस तरीके से हाँ ना यस सर यस सर और तो कुछ मुझे हिट नहीं हो रहा है ये ठीक लग रहा है 9c0 into 8 की पावर 9 माइनस 9c1 into 8 की पावर 8 प्लस 9c2 into 8 की पावर 7 मैं बस एक बार आइडिया ले रहा हूँ लास्ट टर्म प्लस 9c8 into 8 की पावर 1 माइनस 9c9 प्लस 7c0 into 8 की पावर 7 प्लस 7c1 into 8 की पावर 6 प्लस 7c7 ओके इज डिविजिबल बाय ये सब तो क्या है आराम से बहुत सारे टर्म्स है 8 की पावर 9 8 स्क्वायर तक तो कॉमन है ना मतलब क्या बोलूं 8 स्क्वायर तक तो आराम से ले सकता हूं फिर 8 के टर्म उसको एनालाइज कर लेंगे कम ऑन 64 के तो मेरे साथ हो एवरीवन यस सर यस सर फिर उसके बाद वाले टर्म्स को एनालाइज करते हैं 64 के बाद 8 वाला टर्म ये है दैट इज 9 * 8 और यहां पे टर्म होगा 7c1 * 8 कम ऑन
Yes, sir. फिर यहाँ पे माइनस नाइन माइनस वन प्लस वन कम ऑन यस सर यस सर नाइन से नाइन को और सेवन से सेवन को तो ये कितना हो गया 64 के प्लस दोनों में 8 कॉमन ले लिया 8 इंटू 16 और ये तो जीरो ही हो चुका है 8 इंटू 16 इज 8 इंटू 8 इंटू 2 64 इंटू 2 128 का मल्टीपल है ये 64 के का तो मल्टीपल है ये कम ऑन है ना यस सर यस सर 72 तो नहीं होगा 64 तो है 64 का मल्टीपल है तो फिर 16 का भी है ये करेक्ट यस सर यस सर कोई डाउट नो सर नो सर 20th पे था क्या डाउट में पूछा यस सर तुम खुद बताओ खुद बताना कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कर सकते कम ऑन इसको देख के बताओ 3 का डिफरेंस 12 सी 0 प्लस 12 सी 3 12 से 6 यही तो है सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हां वापस वही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है क्लियर एवरीवन यस सर यस सर मैं क्या लिख रहा हूं व्हाट इज द सिंबल ओमेगा ओमेगा वेरी गुड ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है लीव इट सुन लिया सबने यस यस सर ओके 20th हो गया अब क्या बचा है 22 23 का ए ये मैंने क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था यार ये तो पक्का मैंने छोड़ा हुआ है पूरा पीएनसी का क्वेश्चन यस सर यस सर फिर क्यों पूछता है यार कोई गधा है ये तो मैंने बोला है मेरे को याद है कि मैं मार्क कर रहा था तब आई रिमेम्बर PNC का क्वेश्चन है ये तो 23 का ये पार्ट अरे वही क्या पीएचडी कराएगा क्या यार सर 23 भी छोड़ने को बोला 23 भी छोड़ने को बोला था ना मैंने हाँ सर देखो ये बताओ ये फर्स्ट पार्ट किसका क्वेश्चन होगा वापस कॉम्प्लेक्स रूट हाँ मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेक्ट ना यस सी पार्ट किसका क्वेश्चन होगा आयोटा का कमांड यस और ये भी 2 का ये तो मिसप्रिंट है गलत है ये 4 है तो ये भी आयोटा का क्वेश्चन होगा 2 का साइकिल भी ये तो यस यस सर पूरा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है बिलीव करो क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं कर पाओगे उसके अलावा तो कर सकते हो क्योंकि मैंने सी पार्ट भी समझाया है तुम्हें याद करो यस यस सर कोई इश्यू इसमें नो सर नो सर नो सर 25 28 का सी फालतू क्वेश्चन बताओ देख के बता सकते हो फालतू क्वेश्चन यस नो यस सर कौन सा लॉ लगेगा लेफ्ट साइड में पास्कल्स लॉ पास्कल्स लॉ NC4 इज ग्रेटर देन NC3 मैं कोई सॉल्व भी नहीं करने वाला हूं मैं तो क्या कर दूंगा कम ऑन चमका किसी को रेशियो रेशियो वेरी गुड बस हो गया इतना इजी क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को देख के चमक गया कौन सी सीरीज का क्वेश्चन होगा किसका सर वंडरमैन 2 वंडरमैन सीरीज 2 हां बहुत बहुत गचर पचर लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक्सपांड करके लिखूंगा करेक्ट एवरीवन यस सर आई कहां से वेरी कर रहा है 0 से 30C30 × 20CM प्लस 30C29 इंटू 20CM माइनस 1 लास्ट टर्म 30C30 माइनस एम इंटू 20C0 30 प्लस एम एक पे फ्लिपिंग लगानी पड़ेगी करेक्ट ना 30C0 कर दिया इसको 30C1 कर दिया इसको इसको 30C30 कर दिया अब बताओ प्रॉपर वेंडर बॉन्ड है यस आंसर हो गया 50CM कम ऑन यस सर यस सर तो इफ एफ ऑफ एम इज दिस एफ ऑफ एम की वैल्यू ये है
और तुम्हें मैंने बताया मिडिल टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सबसे मैक्सिमम होता है, एग्री करो, याद करो। यस सर, मिडिल टर्म का फंडा बताया था मैंने, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से पहले मैंने बताया था ना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल में होता है एवरीवन। यस सर, यस सर। f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 50 मतलब 50 c 0 प्लस 50 c 1 प्लस अप टू 50 c 50 इज 2 की पावर 50, कम ऑन। यस सर। एनी ncr इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n. If n is not a prime number, then it is always divisible by n. So, na samne? Ye to common sense hai. Khud feel karo. Aur ye kya hai? Ye khud batao. Summation 50 cm ka square. Yaad hai sabko? 2ncn. To sab kuch okay? Yes sir. Aur especially c part ke baare mein puch raha tha koi, to isliye main c part mein thoda aur emphasize kar deta hu. अच्छा है जिस बच्चे ने स्पेशली पूछा था, तो कोई भी एनसीआर होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज डिविजिबल बाय एन होता है। जैसे देखो 6c2 है, ऐसे किस तरीके से समझाऊं, मतलब एन प्राइम नंबर होगा तो उसके लिए समझाना है। एक केस एन इज प्राइम नंबर और एक केस एन इज अ कंपोजिट नंबर, तुम खुद फील करना किसमें है किसमें नहीं है। प्राइम नंबर में करेगा और कंपोजिट में नहीं करेगा, ऐसे कुछ फंडा होता है। तो प्राइम नंबर बोलो जैसे क्या 7CR या 5CR ले ले, है ना? यस सर। तो उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 5C0 फिर 5C1 5C2 10 5 1। देखो ये हमेशा डिविजिबल बाय 5 है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, हम वो तो बोल ही जाया करो, कम ऑन। यस सर। इसने भी 1 से 49 कर दिया, देखो आया ना, हाय ना बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। वाली 7CR को भी ले लो, देखो 1 7C01 होता है, 7C1 7 होता है, 7C2 कितना होता है 42 21, 7C3 35 फिर वापस 21 फिर वापस 7 और 1, इसको हटा दो तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, कम ऑन। यस सर। बट अगर मैं कंपोजिट ले लूं जैसे 6CR तो 6C01 होता है, 6C1 6 6C2 15 6C3 20, ये देखो हमेशा डिविजिबल नहीं होगा, ये वाले हैं बट हमेशा नहीं है, कम ऑन। यस सर। हाँ ना। यस सर। तो बताओ अगर मैं स्टेटमेंट पूछूं ट्रू और फॉल्स बोलना, इज एनसीआर ऑलवेज डिविजिबल बाय एन इफ आर वेरीज फ्रॉम 1 से एन माइनस 1, ट्रू और फॉल्स? ऑलवेज फॉल्स, करेक्ट और नॉट? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है। यस सर। यस सर। Is NCR always divisible by n? R varies from 1 से n minus 1 and n is a prime number? True or false? False. True. N is a prime number. Prime number. तो बीच के सारे numbers क्या n से divisible होते हैं? Yes, true. Clear? Yes, sir. तो C के बारे में f of m is always divisible by 50? No. अगर प्राइम नंबर दे रखा होता तो फिर करते। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। ओके, क्या दे रखा था, और कोई क्वेश्चन था, रह गया था 30th। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यार, आज मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने सपोर्ट बैच में रिमाइंडर अभी पढ़ाया, ट्राई इट अगेन, अदरवाइज अपने अपने इंडिविजुअल बैचेस में पूछना। सुना तुमने? यस सर। हिंट दे रहा हूँ, मेथड 1 जीपी, बस जीपी वाला मेथड ही काफी है। जीपी का फॉर्मूला दिख रहा है सबको? यस सर। तो थोड़ा जीपी का फॉर्मूला लगाओ फिर थोड़ा ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है तो अभी नहीं बताऊंगा, सबको अलग अलग बाद में पूछ लेना, सो दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो ट्राई इट एंड कम। टू ए के डाउट्स हो गए सबके? चलो टू बी भी सारे बच्चे करके आए जो यहाँ प्रेजेंट है, एवरीवन? यस सर। ठीक है, टू बी के डाउट्स लिखो चैट पे, टू बी के बाद फिर वन ए वन बी के कुछ बच गए तो वो देख लेंगे, टू बी के डाउट्स लिखो चैट पे। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, तब तक डाउट्स लिख लो टू बी के।
ओके देख रहे हैं टू बी के फोर्थ फिफ्थ टू बी क्या बहुत बड़ी है क्या भाई 17, 18, 19, 25, 21 से 24, 8, 14, 5, 15, 5, 28 सब बच्चों को ज्यादा एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे नहीं चाहिए तुम सबसे मतलब ही नहीं अरे नालायक हूँ पता नहीं क्या करते हो यार सॉल्यूशन देखते ही नहीं हो ना आजकल इसलिए मैं सारे डाउट्स ले लेता हूँ इसलिए नेक्स्ट चैप्टर से बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ ऑनेस्ट प्रॉमिस सबका टाइम वेस्ट है मतलब घरों की तरफ देखना भी नहीं और पूछ लेना डिस्कस कर रहा हूँ मैं थर्ड रिवीजन में मैंने सबके जैसे एक क्वेश्चन मुझे उठाना है सॉरी कॉल उठाना है यस सर अनुष्का नाम की लड़की क्या भाई तुम जिनाइन बच्ची क्या है मतलब ये सच्ची में या फिर कैसे डाउट्स हैं बताओ 42 क्वेश्चन पूछ रहे 42 है भी नहीं क्वेश्चन
अगली बार से मैं सर ऐसे स्क्रीन पे नहीं ले मैं डाउट पूछो बेटर रहेगा सबको मेरी आवाज आ रही है यस कुछ से समथिंग आवाज आ रही है यस यस सर यस सर ठीक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पर मैंने ये बताओ 2b के सॉल्यूशन नहीं दिए क्या डिड आई और डिड आई नॉट नो सर अब तुम खुद बताओ यार इतने सारे डाउट तो लेना कोई मतलब ही नहीं है सबका टाइम वेस्ट है तो आई एम थिंकिंग कि अभी सॉल्यूशन मैं आज भेजता हूँ नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ मतलब ही नहीं है व्हाट डू यू थिंक बेटर है यस सर यस मतलब इतना तो पथेटिक है थोड़ा नोट्स रिवाइज करो ढंग से देखो अब जैसे ऐसे कार्टून भी आ जाते हैं जो 42 क्वेश्चन भी नहीं और पूछ के चले गए सो आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप अदरवाइज रिमाइंड मी अगेन उसके बाद करेंगे ठीक है अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्लियर एवरीवन यस सर ओके अब मैं 1A 1B के डाउट डिस्कस करूंगा जिसके वो हो गए हैं जिसको डाउट नहीं है दे कैन गो मैं अब 1A 1B के डाउट डिस्कस करूंगा तो इसके 1A 1B के डाउट्स लिखो चैट पे राइट डाउन 1A 1B के डाउट्स वने का पहले सिर्फ वने का लिखो सॉरी सिर्फ वने ओनली वने लास्ट टाइम वने लॉक हो रहा हूँ लॉक कर रहा हूँ फिर नहीं लूंगा मैं सिक्स क्वेश्चन ओके सिक्स क्वेश्चन जिसने पूछा है कार्टून में लास्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको पहले तो सब सिंपलीफाई करो 3 raised to power 2/3 raised to power log 8 to the base 3 तो दिस इज 3 की पावर 1 + 2/3 3 की पावर 5/3 3 की पावर -5/3 into log 8 3 ये 8 पे पावर चली जाएगी 3 log 3 8 की पावर -5/3 सो आंसर इज 8 की पावर -5/3 That is 2 की पावर 3 into -5/3 That is 2 की पावर -5 Last term NCN into -1/√2 raised to power n is 2 की पावर -5 तो n 10 हो गया
करेक्ट एवरीवन यस अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग पूछा है तो निकाल लेना हो गया है तो क्वेश्चन सिक्स्थ इज डन एट Sorry, eight question. The number of real negative terms in the expansion of iota. Iota तो बस ठीक है उसका expansion करते हैं फिर idea हो जाएगा. जैसे ये है first term will be real 4n minus 2 c 0 into 1 होगा. Next term 4n minus 2 c 1 into iota x की power 1. फिर next term आयोटा एक्स का होल स्क्वायर नेक्स्ट टर्म आयोटा एक्स का होल क्यूब नेक्स्ट टर्म आयोटा की पावर 4 वो इसके साथ आएगा कम ऑन यस नेक्स्ट टर्म आयोटा की पावर 5 इसके साथ आएगा क्योंकि आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की होती है याद है यस सर सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 4n माइनस 1 है मतलब 4 के मल्टीपल में एक कम तो कम ऑन यहां पे 4 4 की सीरीज बनती जाएगी ऐसी टोटल n रोज होगी और उसमें ये वाला टर्म गायब होगा यहां तक लास्ट टर्म होगा एग्री करो यस सर इसने डाउट पूछा है होप ध्यान से सुन रहा है इंटरेक्ट कर रहा है अब उसने पूछा है रियल नेगेटिव टर्म्स ये तो रियल है बट ये तो पॉजिटिव रहेंगे रियल नेगेटिव कौन से होंगे ये वाले क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कम ऑन यस सर फिर ये वाला भी होगा कम ऑन इसके साथ वाले कितने टोटल टर्म्स होंगे जितनी रोज है n टर्म यस सर Clear everyone? I hope so clear. Yes. 15th and 16th. If the sixth term, 8c6 into x square log 10x raised to power 6, second variable to 6, first variable, us pe difference, kitna difference? Achha, sorry, sixth term matlab 8c5, yaad hai na? Sabko? Yes, sir. 5600, 8c5 ki value 56 hoti hai. So 100 ho gaya yahan se. X ki power 2 into 5, x ki power 10. Into log 10x raised to power 5 niche ho gaya x ki power 8 is equals to 100 so x square into log of x to the base 10 raised to power 5 is 100 ho gaya ab isko solve karne ke liye to dimag laga ke solve kara dono ya to solve karo directly values dal ke kuch pattern guess kar lo ya fir log dono taraf lo okay तो मैं तो थोड़ा सोच रहा हूँ 10 रखूंगा तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है देखो x को 10 रखा तो 100 इंटू ये 1 हो जाएगा बट अगर सिस्टमेटिकली निकालना है तो दोनों तरफ लॉग ले लो लॉग 10 x स्क्वायर इंटू लॉग बट उसके बाद भी थोड़ा सा तो एनालाइज करना ही पड़ेगा बट दैट विल बी लिटिल बिट बेटर टू थिंक राइट साइड की वैल्यू 2 यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 x स्क्वायर प्लस लॉग 10 log 10x raised to power 5 ऐसा हो जाएगा अगर अब मैंने log 10x को t रखा तो ये हो गया 2t plus ये 5 नंबर पे पावर है तो आगे आ जाएगा 5 log 10t is equals to 2 यहाँ तक ओके एवरीवन अब log 10x t तो सब इंटीजर है इंटीजर ये सब तो बस एक ही वैल्यू हिट हो रही है ये 1 होना चाहिए 0 होना चाहिए सेटिस्फाई हो रहा है ये 1 मतलब एक्सिस्टेंट क्लियर क्लियर है बच्चे जिसको डाउट था यस सर फिफ्टीन के बाद क्या था 16 था क्या 16
16th question, T3 upon T2, sum of the coefficient of second and third term is 36. Dono equations ko use karo. Pehle ye likh raha hu, ye easy lag rahi hai. Coefficient of second matlab R equal to 1. So NC1 plus NC2 is 36. Sen aa jayega. Pascal's law. Iska NC2 36 hota hai. 9C2 is 36. 9C2 30. Main hidden trial kar raha hu, tum quadratic ki tarah solve bhi kar sakte ho. Clear? हाँ भाई, एवरीवन क्लियर? यस सर। अब T3 अपॉन T2 इज 7, तो T3 कितना होगा? NC2 ना ना डायरेक्टली लेते हैं ना, 8C2 इनटू सेकंड वेरिएबल पे पावर 2, फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 6 अपॉन T2 इज 8C1 इनटू 1/4 की पावर x इनटू 2 की पावर x रेस टू पावर 7 इज 7. सॉल्व इट फॉर x. ओके, 19 जिस बच्चे का था उसने कैंसिल कर दिया. 24 क्वेश्चन. काफी इजी है, नहीं पूछना चाहिए था. NPR, NPR क्या होता है? N factorial upon difference, याद है सबको? Yes sir. और ये Pascal's law लग गया, NCR हो गया, if I'm not wrong. Yeah. So that is 5040 into N factorial upon R factorial into N minus R factorial. N से N गया, N minus R minus गया. R factorial is 5040. So हमें 6 factorial तक तो पता है, 720 correct? हाँ भाई, 7 factorial is 7 into 720, वो 5040 ही होता है, थोड़ा चेक करो. R is 7, clear? Yes sir. Yes sir. 24 के बाद 30, 32 और 38. But this is a very good question. पहले 32 वो भी time लगेगा तो कर लेते हैं. 30 ही कर लेते हैं. मेरा सब solution देना भूल गया, तो मुझे याद दिलाया करो यार, ना तो time लग रहा है. अच्छा, ये अब exercise 3 level का question है, काफी अच्छा question है, ध्यान से सुनना. Coefficient of x की power n square plus n by 2 minus 7 है ना, 14 by 2 in सारे ब्रैकेट्स में से मैं x कॉमन निकाल लेता हूं. x into 1 minus 1 by x, x square into 1 minus 2 by x square, x cube into 1 minus 3 by x cube, x की पावर n into 1 minus n by x की पावर n. तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इन सब में से x को इकट्ठा कर लिया, x, x square, x cube, x की पावर n, x की पावर 1 plus 2 plus 3 up to n हो गया. 1 minus 1 by x, 1 minus 2 by x square, 1 minus n by x की पावर. So कितना हो गया? Coefficient of x की पावर n square plus n by 2 minus 7 in x की पावर, ये कितना हो गया green वाला? N into n plus 1 by 2, correct ना? Yes sir. Into 1 minus 1 by x, 1 minus 2 by x, sorry, square, 1 minus n by x की पावर n. BT की फर्स्ट क्लास में कितनी बार हमने प्रैक्टिस कर ली, अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए इन x 4 into 1 plus x की पावर 20, तो टोटल 10 चाहिए, यहां x 4 है तो रिमेनिंग में कितना चाहिए होता? 6. x की पावर 6, करेक्ट ना? यस सर. तो अब देखो यहां पे ये n स्क्वायर प्लस n / 2, आई होप सबको दिख रहा है, ये n into n plus 1 by 2 ही है, करेक्ट ना? यस सर. और चाहिए भी हमें n into n plus 1 by 2 ही. देखो, coefficient of x की पावर n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 already है, तो can I say remaining में x की पावर minus 7 चाहिए? Agree करो? Yes. क्या ये important line समझ में आई सबको? Yes sir. So what do you think? Coefficient of x की पावर minus 7 in the remaining terms, 1 minus 1 by x, 1 minus 2 by x square,
वन माइनस सेवन बाय एक्स की पावर सेवन, वन माइनस एट बाय एक्स की पावर एट एंड सो ऑन. यहां तक ओके एवरीवन? यस. अब एक्स की पावर माइनस सेवन क्या होता है? वन बाय एक्स की पावर सेवन ही होता है ना. यस सर. चलो अब दिमाग लगाओ, एक्स की पावर सेवन बनाना है डिनोमिनेटर में. ये वाला टर्म तो बना देगा, कैसे बनाएगा ये 1 by x की पावर 7, हर ब्रैकेट में से 1 1 1 1 ले लेगा और बना देगा. कम ऑन. यस यस सर. ये वाला टर्म भी बना देगा, ये किसके साथ बना देगा? इसके साथ, x की पावर 6 के साथ. कम ऑन. यस सर. बट क्या तुम इतने कॉन्शियस और इंटेलिजेंट हो, समझ में आता है कि ये वाला टर्म कभी भी x की पावर 7 नहीं बना सकता? कम ऑन. यस. इसलिए मैंने इसको लिखा है. जल्दी से सोचो. Yes. इसको 1 by x की पावर 7 बनाने के लिए इसको x चाहिएगा. x तो कहीं है ही नहीं. कमा है ना. Yes. Yes. So, क्या सबको समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग सारे टर्म्स में सिर्फ वन यूजफुल है, अदरवाइज दीज आर यूजलेस टर्म्स फॉर मी. कमा. यस सर. तो क्वेश्चन अभी सिर्फ ये इतना ही है, कोफिशिएंट ऑफ 1 by x की पावर 7 इन 1 माइनस 1 by x into 1 minus 2 by x square and so on till 1 minus 6 by x ki power 6 into 1 minus 7 by x ki power 7. Okay? Yes. Yes, sir. Huh. So 1 by x ki power 7 chahiye. Ab kaise bana sakte hain? Har term mein se bana sakte hain. Jaise sabse bade term se lete hain. Ye sabke saath 1 1 1 lega tab bana dega. Come on. And that answer will be minus 7. Come on, agree karo? Yes. Yes, sir. Then, ye wala term, kaise x ki power 7 banayega? Iske saath, come on, aur baaki sab ke saath 1, 1, 1, 1 le lega? Yes, sir. So, iska answer minus 1 into minus 6 hoga. Jaldi se okay karo. Hai na? Haan ya na, cartoono. नहीं जवाब देना है. मेरे क्या, मैं तो समझा देता हूँ. फिर फाइव वाला किसके साथ बनाएगा? स्क्वायर के साथ. माइनस टू इंटू माइनस फाइव, फिर माइनस थ्री इंटू माइनस फोर. ये दो के हो गए. अब तीन तीन के पेयर, अभी तक तुम देख रहे हो मैं दो दो के पेयर कर रहा हूँ, तीन तीन के भी हो सकते हैं. वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स क्यूब. बट ये तो एक्स की पावर सिक्स ही बना, तो अगर ये ले लूँ तो एक्स की पावर सेवन हो गया. तो इसलिए इसका आंसर होगा माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस फोर. और इसके अलावा कभी भी तीन के पेयर में एक्स की पावर सेवन नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने वैसे ही सबसे छोटा लिया. तो दैट्स इट. ये आंसर है तुम्हारा माइनस सेवन प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस ट्वेल्व माइनस एट. तो कितना हो गया? कितना है? 28 माइनस 15, दैट इज आंसर इज 13. क्या अच्छा क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लियर? Yes, sir. ये क्वेश्चन वापस रिवाइज करना है सबको. सुन लिया? थर्टी टू. अब बताओ ये क्वेश्चन देख के पूछना चाहिए क्या? ये तो हमने क्लास में कितने प्रैक्टिस कर ली ना एवरीवन. हाँ है ना. ये वन है तो ये किस, ये क्या होगा? कमान एन एक्स. ये क्या होगा? किस बच्चे ने ये डाउट? अच्छा नहीं, ठीक है डाउट. अभी ऑल्टरनेट सीरीज नहीं होती तो जूते खाता है. किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है? प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, वैसे तो प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है मैंने. So, बताओ ऑल्टरनेट सीरीज के लिए क्या करते हैं हम? डायरेक्ट निकालते हैं या किसी दो सीरीज का एडिशन वेडिशन कुछ? यू टेल मी. हाँ बच्चों, अरे बोलना है नहीं बोलना है यार. दो सीरीज का एडिशन करते हैं तो पहले तो कंप्लीट सीरीज निकालो. प्लस अप टू सी एन स्क्वायर, इसका आंसर 2nCn. फिर नेक्स्ट, अब मुझे ये वाली सीरीज चाहिए ऑल्टरनेट सीरीज. इसके लिए वेंडर वन लेना पड़ेगा. तो एक ये लेते हैं हम, सी नॉट प्लस सी वन एक्स
प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. दूसरी सीरीज वन माइनस एक्स लेते हैं, सी नॉट माइनस सी वन एक्स. लास्ट टर्म सिंस एन इज ऑड, तो ये लास्ट टर्म क्या होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस सी एन इंटू एक्स की पावर एन. तो अब मैं फ्लिपिंग लगाऊंगा तो सी एन ये हो जाएगा माइनस सी ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स एंड सो ऑन. नहीं, लास्ट टर्म फ्लिपिंग लगा के उल्टा लिखते हैं. इसमें फ्लिपिंग लगाया सो माइनस सी नॉट इंटू एक्स की पावर एन प्लस सी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन. फिर कोफिशिएंट पकड़ते हैं, कमॉन, माइनस सी नॉट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन बना रहा है. फिर ये वाला और ये वाला भी x की पावर n बना रहा है, तो माइनस सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर n इनटू 1 माइनस x की पावर n. एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर. तो माइनस ऑफ सी नॉट स्क्वायर जो भी ऐसा ही ले लो, क्या ऐड कर देंगे उसके साथ. सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस x स्क्वायर की पावर n. अब n इज ऑड, तो इमेजिन करो ये ऐसा है x की पावर 5 इन 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 5. बताओ आंसर कितना होगा, जीरो होगा नहीं होगा? हाँ बच्चों. यस सर. तो अब बताओ ये फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज से अब आंसर तो आ ही जाएगा ना, दोनों सीरीज को सबट्रैक्ट करके, ऐड करके फ्रॉम फर्स्ट c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर is 2ncn. आ जाएगा एवरीवन? यस. ट्वाइस ऑफ योर आंसर इज 2ncn. आंसर आ गया. क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो 1a के हो गए, 1b के डाउट्स देखो. राइट डाउन 1b डाउट्स ऑन द चैट दोज हु हैव. वन बी के डाउट्स लिखो जल्दी से, मैं एक मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, तब तक लिखो. दिशा नाम की लड़की माइक ऑन कर, क्योंकि मैंने पहली बार तेरा नाम देखा है. आई डोंट नो यू आर जिनैन. और ये अनुष्का भी, तो पहले भी पूछ के डाउट चली गई थी. हाँ हेलो सर, मैं दिशा. ठीक है दिशा, तो ओके ओके. बट व्हाट डज दिस एससी डिनोट्स, एससीएनबी क्या है ये? So, वो एक्चुअली मेरे कॉलेज के लेक्चर्स के लिए आई हैव टू पुट दैट, सो वो चेंज करने में कभी कभी रह जाता है. सेंटर यू आर फ्रॉम? दिस वन गोरेगांव. ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस अनुष्का? यस सर. लास्ट टाइम आल्सो यू आस्क्ड सम क्वेश्चन एंड यू डिसअपीयर्ड. सर आई मेंट टू राइट 22. अरे यार यू मेंट टू हमारा टाइम वेस्ट कर रही, तो तू बता नहीं सकती वापस? मैंने चैट पे लिखा. चैट पे नहीं, माइक पे लिखा 22. टाइम वेस्ट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो यू शुड बी कॉन्शियस इनफ कि सर नहीं ये नहीं गलत लिख दिया मैंने, इतना जल्दी बताना चाहिए. चलो एनीवे, चैट पे लिखा था फिर मैंने. अच्छी, चैट पे 100 मैसेज आते हैं देखो, उस समय तो माइक्रोफोन ऑन करके बोलना चाहिए. ओके लेट्स डिस्कस दिस 10th क्वेश्चन. Most probably covered in the class. Am I correct, everyone? देखो क्लास में कवर किया हुआ, याद करो. लोअर
लोअर ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल है जो भी बोलो कैसे आता है टोटल माइनस डायगनल बाय टू एवरीवन रिमेम्बर हाँ बच्चों सर बट n माइनस वन तक ही है ना इसीलिए डाउट आया हाँ उसका एक टर्म हम हैंडल कर लेंगे ना बच्चे अभी देखते हैं सर वही हैंडल करने के बाद शायद ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था मतलब इसीलिए एक अभी बताता हूँ इधर देख तो डायगनल कैसे करते हैं आई और जे इक्वल होते हैं करेक्ट और नॉट और एन माइनस वन तक ही जाना है तो आई स्क्वायर एन सी आई बट वी हैव टू गो फ्रॉम आई टू इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन करेक्ट यस सर अब इसमें हमें पता है तो न्यूटन दो बार लगाना पड़ेगा तभी आएगा आई इंटू आई एन सी आई इंटू एन सी आई तो एक बार न्यूटन लगाया एन बार आया एन माइनस वन सी आई माइनस वन इस पर भी लगाया स्क्वायर हो गया कमॉन और अब तो इसको लिमिट एन माइनस वन तक ही चाहिए एन तक दे रखी होती तो भी यूजलेस होती कमॉन आए ना सर लास्ट टर्म एन माइनस वन चूज एन माइनस टू हो जाएगा ना व्हाट सर जो लास्ट टर्म आएगा आई इक्वल टू एन माइनस वन के लिए वो एन माइनस वन चूज एन माइनस टू हो जाएगा ना नहीं यहाँ पे हाँ ओके एन माइनस वन से आई माइनस वन जा रहा है ना हाँ एन माइनस टू तक हो जाएगा वेरी गुड क्या नाम है बच्चे का सर विनायक विनायक हाँ गुड प्रेशर में भी इसने मेरे पे मेरे साथ जवाब दिया तो वेल एंड गुड हाँ तो बड़ी बात अगर पूरी सीरीज होती तो आंसर क्या होता ये बताओ चल विनायक फुल सीरीज होती तो ये वाली सर टू एन माइनस टू चूज एन माइनस वन वेरी गुड और लास्ट टर्म अब कहाँ तक जा रहा है एन माइनस वन सी एन माइनस टू स्क्वायर तक जा रहा है मतलब हमने एक्चुअली ये वाला टर्म ऐड किया है करेक्ट हाँ तो माइनस वन करना तो माइनस वन कर देंगे ना हाँ बता इज इट ओके यस सर यस सर यहाँ तक ओके अब टोटल टोटल है समेशन आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन समेशन जे इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन आई एन सी आई तो बाहर निकाल देता हूँ जे एन सी जे यहाँ पे रख देता हूँ अब वापस न्यूटन्स समेशन एन एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू एन एन माइनस वन सी जे माइनस वन जे इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन सो अब इसका आंसर वापस एन माइनस टू तक जा रहा है तो टू की पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन सी एन माइनस वन माइनस वन और इसका स्क्वायर हो जाएगा कमॉन यस सर बस तूने ये सब मिस कर दिए होंगे इसलिए आंसर नहीं आ रहा तो आ ही जाएगा करेक्ट नहीं सर ये सब कर दिया था ऑप्शंस में लेकिन मैच नहीं हो रहा था चलो मैच हो गया तो देखते हैं सर आंसर इज टोटल माइनस डायगनल बाय टू ठीक है ओके यस एन स्क्वायर इनटू टू की पावर एन माइनस वन माइनस होल स्क्वायर माइनस डायगनल कितना है एन इनटू टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन माइनस वन बाय टू अब आंसर डायगनल में भी एन स्क्वायर है ना क्या डायगनल वाले में भी एन स्क्वायर है एन स्क्वायर है करेक्ट मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है ओके अब किस फॉर्म में दे रखा है उसने एन स्क्वायर कॉमन लेके छोड़ रखा है एन स्क्वायर कॉमन लिया अब ओपन करना है टू की पावर टू इंटू एन माइनस वन प्लस वन माइनस टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू करेक्ट लिखा है बच्चे यस सर यस सर एन स्क्वायर इंटू प्लस वन कैंसिल नहीं हो रहा है टू की पावर टू एन माइनस टू टू एन माइनस वन हो जाएगा माइनस टू की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन बाय टू प्लस टू बाय टू प्लस वन अब उसने किस फॉर्म में छोड़ रखा है सर
सर एक्चुअली जो आंसर दिया है वो लिमिट्स अप टू एन के लिए ही आएगा मतलब. अच्छा तुमने चेक किया? हाँ सर चेक किया था. करेक्शन होगा इसमें. ठीक है चल मैं एक बार चेक करके वापस बता दूंगा. बट यू आर सेइंग एन तक है तो चेक फॉर एन देन आंसर मैच करेगा. एवरीवन सुन लिया? यस सर. बट मुझसे एक बार ग्रुप पे अलग से कंफर्म कर लेना ताकि मैं पूरा एक बार ढंग से सॉल्व करके यहाँ एन के लिए है तो आई विल कंफर्म इट फॉर यू. अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. सुन लिया बच्चे? विनायक. यस सर थैंक यू सर. मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन है बस यूं लिख रहा हूँ मैं. ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाला तो क्लास में किया है यार. किसको डाउट है? ट्वेल्थ सेम मैंने क्लास में कराया और बोला भी था उसमें गड़बड़ क्या होती है. सबको याद आया? जीरो से समेशन वन का आंसर एन लिख देते हैं बट वो आंसर एन प्लस वन होता है. दिशा सुन रही है? हाँ यस सर मैं वापस कर दूंगी. मतलब गलती क्या होगी बता रहा हूँ. ये समेशन वन आएगा तो उसका आंसर एन लिख देगी वो गलत है क्योंकि समेशन वन की लिमिट यहाँ पे जीरो से एन होगी तो उसका आंसर एन प्लस वन आएगा. क्लियर? एंड दिस आई हैव डन done in the class so you should see that again please. Okay. Yeah, thank you. 14 so yes sir 14th wali question mein na answer b option diya hai par correct answer I guess c option hai to wahi doubt. ye to last year mein mujhe bhi yaad hai correction hai usme ko but kisne pucha shruti ne. Okay dekhte hain. So, हाँ एक बार मुझे बस कंफर्म करने दे. ये तो बहुत सिंपल वैन डर वाल्स का क्वेश्चन है. N1 plus N2 CR आंसर है ऑप्शन सी. यही पूछ रही थी ना तू? यस सर. बस बिल्कुल करेक्ट सही बोल रही है. तुमने सुन लिया करेक्शन? एवरीवन जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे Sixteenth is a okay question to be asked. ठीक है देख लो. One minus n by one को लिख दिया nc one into one plus x upon one plus nx. n into n minus one upon two factorial को लिख दिया nc two into one plus two x. अब मुझे pattern दिख गया है. Minus nc three into one plus nx upon one plus nx का whole cube and so on. तो जनरल टर्म लिखा माइनस वन की पर आर इंटू एन सी आर इंटू वन प्लस आर एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स रेस टू पर एन सी टू में टू ही तो है रेस टू पर आर. कम ऑन ऑल ऑफ यू ओके? एवरीवन कंफर्टेबल टू हियर? अब स्प्लिट कर देंगे माइनस वन की पर आर इंटू एन सी आर अपॉन वन प्लस एन एक्स की पर आर प्लस ये वाला टर्म बच्चों एक्स बार आ गया समेशन माइनस वन की पर आर इंटू एन सी आर इंटू आर अपॉन वन प्लस एन एक्स की पर आर. पावर में आर होता है तो वो हमें ट्रबल नहीं करता क्योंकि वो रिवर्स एक्सपांशन होता है. सबको याद आया? यहाँ पे ये सेकेंड टर्म हो गया. दिस इज वन माइनस वन बाय वन प्लस एन एक्स की पर एन का एक्सपांशन. जो बच्चे प्रेजेंट हैं जिसको डाउट है क्लियर है यहाँ तक? 16th किसको डाउट था पहले तो ये बताओ. दिशा आपको? हाँ क्लियर. यस सर क्लियर. अब ये बता आर को कैसे हटाएंगे दिशा? हाँ दन तो न्यूटन्स ही. न्यूटन्स वेरी गुड. तो आर इनटू एन सी आर है ना तो एन बार आ जाएगा समेशन माइनस वन की पर आर इनटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन. ये r माइनस वन को देखते ही मैं हर जगह r माइनस वन बनाऊंगा. करेक्ट दिशा? यस. तो दिस यहाँ पे माइनस वन कर दिया यहाँ पे वन प्लस एन एक्स की पार r थी उसको r माइनस वन कर दिया और बार वन प्लस एन एक्स को लिख दिया ताकि रिवर्स एक्सपांशन के लिए ये भी रेडी हो गया और n तक.
तो ये टर्म तो सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी वाला टर्म क्या हो गया, प्लस माइनस एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स इंटू, ये रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है देख, आर माइनस वन, तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, लिमिट्स प्रॉपर है, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, गॉट इट लड़की? या यस सर। अब एलसीएम तो ले लेगी ना? हाँ हाँ। ठीक है, सिंपलीफाई। यस 17th इसको डाउट है, क्योंकि कम बच्चे बचे इसलिए मैं पूछूंगा नाम, 17th इसको है निशान, क्लास में किया गया क्वेश्चन है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन स्क्वायर है, तो दो बार लिख देंगे, वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एक्स की पावर एन इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एक्स की पावर एन। अब चल देख, x की पावर n बनाना है तो 1 कैसे बनाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर ये x वाला टर्म बनाएगा, हाँ बनाएगा भाई इसके साथ, तो इसका आंसर 1 इंटू n माइनस 1, प्लस ये वाला बनाएगा, हाँ बनाएगा इसके साथ 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 3, अब लास्ट के टर्म पकड़ लेते हैं, ये वाला बनाएगा, हाँ इसके साथ n माइनस 1 इंटू 1, फिर लास्ट में ये बनाएगा, हाँ कांस्टेंट टर्म के साथ। अब ये एसएनएस की सीरीज हो गई है, इसमें जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं अपन, तो ये वन है तो ये एन माइनस वन है, ये टू है तो ये एन माइनस टू है, करेक्ट, तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब इन सब का जनरल टर्म लिख सकते हैं, देख तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जनरल टर्म के लिए, तो ये एन और एन को तो अलग से लिख दिया मैंने टू एन, और इन सब की जनरल टर्म लिख दी आर इंटू एन माइनस आर, जल्दी से ओके कर बच्चे। अब इसका आंसर तो तू निकाल सकता है यार, कम ऑन, स्प्लिट करूंगा तो एन टाइम समेशन आर माइनस समेशन आर स्क्वायर, ओके ना, सेवनटीन हो गया, 14 भी हो गया था क्या बच्चा, 27th किसको डाउट है? सर मी, मी मतलब रेवती, ओके 27 देख रहे हैं, बता देता हूँ आपको, 2 प्लस रूट 3 की पावर एन है बच्ची, आई और एफ वाला ही क्वेश्चन सही है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, याद है तेरे को? यस सर। हाँ। इसकी वैल्यू देख, 2 माइनस 1.732 मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो सिर्फ एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, कम ऑन जी, याद कर, फिर क्या करते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन, इरेशनल टर्म हटना चाहिए, याद आ गया व्यक्ति? यस सर। तो पी प्लस जी करूंगा, अच्छा इसको P लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बॉक्स x प्लस f लिख सकता हूँ, चलेगा? देखो बॉक्स x denotes that integral part, you remember? और ये P नहीं है, उसने गलती कर दी लिखने, ये P नहीं है, x है, ये करेक्शन है, सुन लिया रेति? यस सर। तो दिस इज x, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 की पावर है ना, विच इज इक्वल्स टू i प्लस f, आई होप यू रिमेम्बर? यस सर। सो p अगर ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो प्लस एन सी टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, और हमें पसंद है, कम ऑन एग्री कर? यस सर। तो ठीक है, ये तो हो गया, तो अब p प्लस जी नहीं, i प्लस f प्लस जी के बारे में हो गया, f प्लस जी याद है, क्लास में करा हुआ, f प्लस जी वन आ जाएगा, याद आया? यस सर। तो f प्लस जी की वैल्यू वन हो गई है, अब क्या पूछा है उस पर फोकस करते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बॉक्स एक्स, ओके यहाँ पे x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू बॉक्स एक्स, सब में से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स, ओके 1 माइनस एक्स प्लस बॉक्स एक्स,
x into 1 minus x कौन है i plus f और box x कौन है i है करेक्ट लड़की yes sir 1 minus i minus f plus i i से i cancel हो गया x into 1 minus f 1 minus f तो g है come on yes sir so x into g x कौन है 2 plus root 3 की पावर n g कौन है 2 minus root 3 की पावर n answer कितना हो गया 1 क्लियर रेवती यस ट्वेंटी नाइन किसका है सर मेरा ही है सर मेरा भी ओके 29 देख रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है The integer above this, next above, मतलब अगर तू इस इंटीजर को i plus f मान रहे हो ना इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट तो वो i plus 1 की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है Is that clear? Integer above this, come on. अगर इसकी इंटीजर वैल्यू मान लो ये 3.4 है तो वो 4 के बारे में पूछ रहा है ना 3.9 है तो वो 4 के बारे में पूछ रहा है कम ऑन तो थ्री कौन है इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस वन कर दिया मैंने ऑल ऑफ यू ओके हाँ सर यस सर देखने दो रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन करेंगे इससे अच्छा मैं स्क्वायर को अलग कर देता हूँ स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है एम इज आई प्लस एफ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी रेज टू पावर एम इज आई प्लस एफ फोर माइनस टू रूट थ्री की वैल्यू कितनी होगी 1.7 इंटू टू 3.4 जीरो से वन के बीच में ही है सो फोर माइनस टू रूट थ्री रेज टू पावर एम को क्या ले लेंगे जी करेक्ट अब एड करूंगा आई प्लस एफ प्लस जी तो हमारे एक्सपांशन में ये आ जाएगा अब याद करो f प्लस जी तो 1 हो जाता है याद है सबको तो डायरेक्टली यहाँ पे i प्लस 1 आ गया उसी के बारे में तो कंक्लूड करना है एग्री करो हाँ भाई 4 की पावर m माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन तो इसमें क्या आ गया ट्वाइस ऑफ 4 की पावर m दैट इज 2 की पावर 2m प्लस MC2 into 2 की पावर 2 times M minus 2 into 2 square into root 3 square and so on. तो सब मैं 2 की पावर 2M minus 1 तो मैं निकाल ही सकता हूँ ऐसा कुछ लास्ट टर्म पे डिपेंड करेगा वैसे भी लास्ट टर्म क्या होगा MC M के बारे में कुछ कमेंट कर रखा है क्या लास्ट टर्म एम ऑड इवन पे डिपेंड नहीं करेगा टू एम करते तो सर हम टू एम को कॉमन दे सकते हैं यहाँ पे एक्सपांशन ऐसे करते हैं रुको इसमें इससे फायदा होगा क्या वैसे देखना पड़ेगा एक बार मेरे को यहाँ पे टू कॉमन ले लूँ टू की पावर एम बार आ गया टू प्लस रूट थ्री की पावर एम प्लस यहाँ पे 2 की पावर m कॉमन आ गया 2 माइनस रूट 3 की पावर m तो 2 की पावर m बार आ गया 2 प्लस रूट 3 की पावर m प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर m यस बच्चों बाइनरी एक्सपेंशन डबल हो जाएगा ऑफ व्हाट mc0 इनटू 2 की पावर m प्लस mc1 इनटू 2 की पावर m माइनस 1 इनटू रूट 3 की पावर 1 और लास्ट टर्म जो भी होगा mc उसमें रूट 3 की पावर ही होगी तो 2 की पावर m प्लस 1 तो गारंटेड कॉमन है कम ऑन गारंटेड है ना यस सर 2 की पावर m प्लस 1 एज अ फैक्टर है एक 2 और आ सकता है बट वो तो ऑड इवन पे डिपेंड करेगा तो कम से कम 2 की पावर m प्लस 1 तो बोल ही सकते हैं तो इवन कंफर्टेबल तो अच्छा क्वेश्चन बोला था मैंने
M and N are positive integers, okay? In the expansion of this, coefficient of x to the power m, both m plus n, cm, are a. And v is m plus n, cn. The clipping se dono same hi honge na, cut no. Kya question puchte ho? Clear hai, jisko bhi tha? दो क्वेश्चन करते हैं आराम से. 43 गलत पूछा जैसे भी. किसने पूछा 43? किसी को डाउट है या जो बच्चा है ही नहीं फिर इसलिए मैं छोड़ दूंगा. 43 43 एनीबडी? नो. 45 सर मेरा था. 43 या 45 लड़की? 45. ओके 45. अच्छा क्वेश्चन है, देख ले. क्या नाम है तेरा? दिशा. दिशा ओके. तो पहले क्लास में तो नहीं पूछती आज? मतलब जमाने भर बाद मेरे को कोई दिशा का नाम सुनाई दिया? नहीं नहीं कभी कभी पूछती हूँ, ऐसा नहीं है. तो सी हियर, फैक्टोरियल इफ डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ हो तो पक्का टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन होता है. किसका होता है? टेलीस्कोपिक. टेलीस्कोपिक मींस इफ यू रिमेंबर वी आर मेकिंग कंजुगेटेड टर्म्स. इन वन ऑफ द टर्म इफ इट इज आर प्लस टू फैक्टोरियल देन डेफिनेटली इन द अदर टर्म इट विल बी आर प्लस वन फैक्टोरियल. और आर प्लस वन फैक्टोरियल बनेगा आर प्लस टू से ही. कैसे? ये अच्छा ऐसे ब्रेक करेंगे और ऊपर कहीं ना कहीं आर प्लस टू कैंसिल होना चाहिए तब आर प्लस वन फैक्टोरियल बनेगा. इससे हमें हिंट मिली कि न्यूमरेटर में मुझे आर प्लस टू क्रिएट करना है. समझ में आया? अभी और बताता हूँ बट एक बार देख पूरा वापस प्रिंसिपल. समेशन आर प्लस टू फैक्टोरियल. अब मुझे ऊपर आर प्लस टू बनाना है इसलिए मैं इस आर को क्या लिखने वाला हूँ? आर प्लस टू माइनस टू. इजी है तो अब स्प्लिट कर दूंगा दिस इनटू दिस. आर प्लस टू इनटू टू की पावर आर अपॉन आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस टू इंटू दिस टू इंटू टू की पावर आर अपॉन आर प्लस टू फैक्टोरियल. करेक्ट? देख मैं वही बोल रहा था कि यहाँ आर प्लस टू है. अब यहाँ आर प्लस टू ब्रेक होके आर प्लस वन बना देगा ना लड़की? हाँ यस सर. क्या समझ में आया मैंने क्या बोल रहा था फिर? अब पहले माइनस टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस टू फैक्टोरियल. अब बताइए टेलीस्कोपिक बन गया क्या? आर दे कंसेक्यूटिव? एक टर्म से जस्ट एक टर्म बड़ा होता है. कुछ याद आया लड़की? या बीटी से पढ़ना चालू कर? कैंसिल कैसे होगा वो समझ में नहीं आया पूरा. एसएनएस में नहीं पढ़ती थी क्या तू? नहीं नहीं पढ़ा था पर इसमें फैक्टोरियल फैक्टोरियल आ गया तो फिर तो क्या हुआ? बस कैंसिल होगा. देख आर को वन रखा तो टू अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस आपको वन रखा तो टू स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल. अब आर को टू रखूंगा तो नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो गया. देख ये कैंसिल हो रहा है. अच्छा हाँ हाँ बराबर अंडरस्टूड. या क्लियर? हाँ यस सर. चलो बच्चों दैट्स इट आज के लिए. वन ए वन बी टू ए के डाउट्स हो गए. टू बी अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.